हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे सम सम्यूज विच इज़ रिलेटेड टू सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसे हमें यूजीसी नेट पेपर वन में पढ़ना पड़ता है और पेपर टू में ओके okay? तो रिसर्च मैथडोलॉजी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग है, है तो ये बहुत छोटा सा बट इससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम क्या है वो देख लेते हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर वन वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सैंपलिंग इन रिसर्च रिसर्च में सैंपलिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है हम क्यों सैंपलिंग करते हैं क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है द ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए इज To Reduce the cost of research option B to collect data from every individual in the population option C to obtain a representative subset of the population or option D to ensure that the sample size is large enough. cancer answer? Hoga iska? Iska jo answer ho jayega, that is to obtain a representative subset of the population. जहाँ हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैंपलिंग सैम्पलिंग में बात होती है सैंपल की एंड व्हाट इज़ सैंपल सैंपल होता है एक सबसेट हमारी होल पॉपुलेशन हमारे होल यूनिवर्स का ठीक है और सैंपलिंग उसको क्या करती है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेटा लेकर हमको प्रोवाइड कराती है हमारे यूनिवर्स से हमारे पॉपुलेशन से ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं द क्वेश्चन नंबर टू इज़ यर विच ऑफ द फलोइंग इज़ अ प्रॉपेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक अब यहाँ बात हो रही है प्रॉपेबलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की मेनली सैम्पलिंग टेक्निक्स ब्रॉडली टू डिवाइडेड होती है फर्स्ट इज़ प्रॉपेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन प्रॉपेबिलिटी तो प्रॉपेबिलिटी कौन सी है ये पूछा जा रहा है ऑप्शन ए इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग बी स्नोबॉल सैम्पलिंग सी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या डी जजमेंटल सैंपलिंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी स्टेटिफाइड सैम्पलिंग बिकॉज जो ये तीनों हैं ये नॉन प्रॉपबिलिटी के क्या हैं एग्जाम्पल हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज अ सैंपलिंग फ्रेम सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है यहाँ पूछा जा रहा है कि वट इज सैंपलिंग फ्रेम ऑप्शन इज द लिस्ट ऑफ all possible sample b the process of selecting a sample or d a list of elements from which the sample is drawn a type of non probability sampling so what is the sampling frame the correct answer is option number c sampling frame kya hota hai it is a list of elements from which the sample is drawn okay all right now next is next question is in which sampling method in which sampling method does every member does every member of the population have an equal chance of being selected The options are systematic sampling simple random sampling cluster sampling purposive sampling Con CSE sampling method hai jisme sabhi population mein sabhi ko equal chance milta to be get selected So the correct answer is simple a random sampling and it is the part of our probability sampling okay all right now next question is here which sampling technique which sampling technique is most suitable for ensuring that specific subgroups are representative in the sample सब ग्रुप्स की यहाँ बात हो रही है तो ऑप्शंस आर सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग स्टेटिफाइड सैंपलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग देखिए ध्यान रखेंगे जहाँ भी सब ग्रुप्स की बात होगी वहाँ पर इसका मतलब क्या है स्टेटिफाइड सैंपलिंग की बात हो रही है स्टेटास की बात हो रही है एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉपबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब यहाँ पूछा गया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आखिर होती क्या है तो ऑप्शन ए देख लेते हैं सैम्पलिंग वेयर ईच मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ऑप्शन बी सैम्पलिंग वेयर एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन ऑप्शन सी सैम्पलिंग वेयर एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑप्शन डी सैम्पलिंग दैट इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स वट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वेअर सैंपलिंग आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट दैट इज कॉल्ड अ नॉन प्रॉपेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पर हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट के अकॉर्डिंग uh, क्या करते हैं सैम्पल साइज कलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार अपनी uh, मतलब अगर हम देखा जाए तो जैसे कन्वीनियन सैम्पलिंग होती है स्नोबॉल सैंपलिंग होती है दे और ऑल आर द पार्ट ऑफ़ द नॉन प्रोपाबलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट इज विच ऑफ द फिलोइंग इज अ डिस डिसएडवान्टज ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या डिसएडवाटेज होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग का और कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोपाबलिटी सैम्पलिंग आप ऑप्शन पर जाते हैं ऑप्शन ए इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बी इट इज कॉस्ट इंटेंसिव सी इट मे नॉट रिप्रजेंट द पॉपुलेशन एक्ूरेटली ऑप्शन डी इट रिक्वायर्ड सैंपलिंग फ्रेम बहुत ईजी है इसका आंसर सी होगा देखो कैसे अगर हम कन्वीनियंस सैंपलिंग करते हैं तो पॉपुलेशन को वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी सबसे अच्छी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज दे हैवे इक्वल चांस ऑफ एनीबॉडी है ना वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमको जो पहला पर्सन मिल गया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने उसको हमने उससे डेटा कलेक्ट कर दिया अब चाहे उसके पास एक्यूरेट डेटा हो या ना हो ओके ओके नेक्स्ट इज़ वट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग अब क्लस्टर सैम्पलिंग की बात क्या की जा रही है कि क्लस्टर सैम्पलिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देख लेते हैं ऑप्शन आर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू स्टेटा द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स एंड द सैम्पल ऑफ ग्रुप इज सेलेक्टेड द रिसर्चर सेलेक्टेड सैंपल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एवरी नाइन्थ एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्राम अ लिस्ट क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होगी तो इसका आंसर बी हो जाएगा देखिए क्या बोल रहा है अभी द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स सबसे पहले हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड कर देते हैं और फिर उस ग्रुप में से सिलेक्ट करते हैं मतलब एक क्लस्टर बना लेते हैं उसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग सैम्पलिंग कहते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यहाँ बात हो रही है इन इनसिस्टमैटिक सैम्पलिंग इफ अ रिसर्चर सिलेक्ट एवरी फाइव नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वन थाउजेंड वट इज़ द सैंपल साइज देखिए अगर हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं और हमें क्या करना है रिसर्चर को सिलेक्ट करना है कि हर पाँचवें पर्सन को और उसके पास टोटल नंबर कितने हैं एक हज़ार तो क्या उसका सैम्पल साइज निकल कर आएगा तो देख लेते हैं इसके लिए करना क्या होता है जैसे हमारा सैम्पल साइज़ है वन थाउजेंड और हमें फिफ्थ पर्सन का निकालना है तो हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे वन थाउजेंड को फ़ाइव से तो फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड इसका आंसर क्या बनेगा फाइव टेन दैट इज टू जीरो जीरो द आंसर इज टू हंड्रेड तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए टू हंड्रेड इज द करेक्ट आंसर ये हमारा सैम्पल साइज हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच सैम्पलिंग मैथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टडी इन्वॉल्विंग रेयर ऑफ हार्ड टू रीच पॉपुलेशन अब अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन है कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे अपना सैंपल साइज़ नहीं रख पा रहे तो वो क्या कौन सा सैम्पलिंग मैथड से हम उससे कर सकते हैं सिंपल रैंडम से स्नोबॉल सैम्पलिंग स्टेटिफाइड या क्लस्टर देखिए जो स्नोबॉल सैंपलिंग होगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग का मायना ही ये होता है कि ऐसी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना जो हार्ड टू रीच है लाइक ड्रग एडिक्ट्स कोई भी ड्रग पर्सन हम बहुत ही इजीली जाके नहीं ढूंढ सकते हमें नहीं पता है कि कौन ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है या कौन ऐसी चीज़ें हैं तो हम किसी एक बंदे को ढूंढेंगे उससे हम पूछेंगे कि भाई आप आप और ऐसे किसको जानते हो जो आपके जैसे हैं तो इस तरीके से, से स्तोबॉल सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पॉपुलेशन विच इज़ हार्ड टू रीच ओके ऑल राइट सो दीज आर द सम क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू सैम्पलिंग मैथड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें और एम सी क्यू सॉल्व करते रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो